Oh, Yesu Masihi. Oh, Yesu Masihi. Jai. Oh, Yesu Masihi. Jai. बोल यीशु मसीह की जय, बोल यीशु मसीह की जय, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की मैं। हालेलुया। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और आज मैं यहाँ पर आपके साथ खुदा का कलाम बांटने के लिए, परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए, और सब जो साथ जुड़ते जा रहे हैं, रेजिनाल्ड, विजय मिल्टन, सुपर्णा बोस, कमल मेहरा, और जो बहुत सारे लोग जो हैं जो इस लाइव में मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कैप्टन सोनी और कमल मेहरा, फिर से आप खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। यशराज गरेला और दीप्ति वासवानी, यीशु मसीह की जय। प्रताप घई, यस, बोलो प्रताप जी, क्या हाल है? यीशु मसीह की जय। कैसे हैं आप? और आपको हम लोग याद कर रहे हैं। और मून प्रियदर्शिनी, मोनिका आदि, प्रेज लॉर्ड, विकी अरोड़ा, यीशु मसीह की जय। बहुत सारे नाम दिखाई देते हैं, बहुत सारे दिखाई भी नहीं देते हैं, लेकिन जितने भी आ रहे हैं, वीरेंद्र सिंह जी, परविंदर सिंह जी, यीशु मसीह की जय। और खुदा आपको बड़ी बरकत दे। और आज मैं जो गीत गाने जा रहा हूँ और मैं जो वर्शिप के लिए जो गीत ले रहा हूँ, विकी अरोड़ा, गौतम कुमार, वो जो है वो भजन संहिता 54, रोजी दौलत, यशराज भाई, फिर से अगेन यीशु मसीह की जय। और मैं इट्स अ ब्यूटीफुल साम, और इस साम को जो है, इस जबूर को मैं खुदा यीशु के फजल से गाऊँगा। हावी सिंह, पैट्रिशिया जोएल, और खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे मेरे खुदा, मेरे इंसाफ कर, मुझको बचा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। बेगाने मेरे खिलाफ है, बेगाने मेरे खिलाफ है, मेरी जान पर वो अजाब है, मेरी जान पर वो अजाब है, तू अपनी ताब इनको दिखा, तू अपनी ताब इनको दिखा, सुन ले दुआ, सुन ले दुआ, सुन ले
मुझको बचा मेरे खुदा, मेरे खुदा। खुदावंद आपकी हजूरी में आते हैं, फादर वी कॉल अपॉन योर नेम, गॉड माय गॉड हियर माय प्रेयर, मेरी दुआ को सुन, जस्टिफाई मी बाय योर स्ट्रेंथ। बाइबल कहती है बिहोल्ड गॉड इज माय हेल्पर, द लॉर्ड इज विद दोज हु कॉल अपॉन हिज नेम। हालेलुया। देखो खुदा मेरी मदद, मुझको संभाले मेरा रब। देखो खुदा मेरी मदद, मुझको संभाले मेरा रब। करता है दुश्मन को पर, करता है दुश्मन को पना। सुन ले दुआ, सुन ले दुआ, सुन ले दुआ, सुन ले दुआ, इंसाफ कर मुझको बचा मेरे खुदा, मेरे खुदा, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तुमसे रिहा मुझे कर दिया, तुमसे रिहा मुझे कर दिया। तू खूब है, तू है भला, तू खूब है, तू है भला। सुन ली दुआ, सुन ली दुआ, सुन ली दुआ, सुन ली दुआ, इंसाफ तूने कर दिया मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। सुन ली दुआ, सुन ली दुआ, सुन ली दुआ, सुन कर दिया मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे। सब मेरे साथ बोले, तेरा शुक्रिया, तेरा तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, गम से रिहा मुझे कर दिया। तू खूब, तू खूब है, तू है भला, तू खूब है, तू है।
तू खूब है तू भला, सुन ली दुआ, सुन ली दुआ, सुन ली दुआ, सुन ली दुआ, तूने कर दिया मेरे खुदा मेरे। For I will praise your name, O Lord, for he has delivered me. जी हाँ, उसने मुझे आजाद कर दिया, उसने मुझे छुटकारा दे दिया, उसने मुझे आजाद करके उसने मुझे कहा है कि अब तुझे कोई जंजीरों में नहीं बांध सकता, क्योंकि मैंने तुझे आजाद कर दिया है, क्योंकि मैंने तुझे छुटकारा दे दिया। खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन, कि तू हमें शिफा देने वाला, तू हमें जिंदगी देने वाला। के तेरा शुक्रिया, मेरे साथ बोलें, तेरा शुक्रिया, गम से रिहा मुझे कर दिया, तू खूब है, तू है भला, तू खूब है, तू है भला। जब हम दुआ करते हैं इस साहब में, देखिए शुरू में इल्तिजा है, शुरू में प्रार्थना है, लेकिन एंड में वो कहता है कि तू खूब है, तू है भला, क्योंकि इंसाफ तूने कर दिया और तूने मेरी दुआ को सुन लिया। अगर आज आप ईमान लाते हैं कि यीशु आपकी दुआओं को सुनने वाला है, तो आप जोर से बोलें, तेरा शुक्रिया, गम से रिहा मुझे कर दिया, तू खूब है, तू है भला, सुन ली दुआ, सुन ली दुआ, इंसाफ तूने कर दिया मेरे खुदा मेरे। आए उस खुदा के नाम को हम ब्लेस करें, उस खुदा उनके नाम को हम कहें, लॉर्ड वी ब्लेस योर नेम, लॉर्ड वी लिफ्ट अप योर नेम। खुदा, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, हम तेरे नाम को महिमा देते हैं, खुदा हम तेरे सारा आदर, सारा जलाल, खुदा हम तेरे नाम को सारी कुदरत देते हैं। खुदा, तू ही कुदरत वाला है, तू ही बरकतें देने वाला, और तू ही जिंदा जलाली बाप है, तू ही कदूस है, तू ही होली है फादर, और तेरे सिवा कोई होली नहीं। यीशु मसीह ने कहा कि तुम ऐसे दुआ करना कि ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पे है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा नाम पवित्र है खुदावन, तेरा नाम कितना पाक है, तेरा नाम कितना कदूस होली है खुदावन। एक ही नाम है, आसमान और जमीन के नीचे सिर्फ एक नाम दिया गया है, और वो यीशु का नाम है, वही सच्चा नाम है खुदावन। और उस नाम के वसीले से हमें बरकत मिलती है, उस नाम के वसीले से हमें नजात मिलती है। और ऐ खुदावन, आज आपका कलाम और आपकी जो आपका जो मैसेज है, जो मैं नहीं दूंगा, जो अनिल कांत नहीं देगा, ऐ खुदावन ये मैसेज जो आज आप अपने बेटे और बेटियों के लिए, रीना, यस रीना वाही आपके लिए, मीना बुद्धियावंत और सारी हमारी बहनें बेटियां, शेष मनी, जितने भी लोग इस समय, एमी मैसी, जितने भी लोग इस समय देख रहे हैं, मैं आप सबको इन्वाइट कर रहा हूं, सलीम मसीह आए, आप यीशु के पास आए, शेष मनी आए, हम खुदावंद की हजूरी में बैठे, हम खुदा के कलाम से सुने कि वो आज हमसे क्या कहना चाहता है। विक्की अरोड़ा, यस खुदावंद आज आपसे कुछ कहना चाहता है, बोलो यस, वहां पे आप टाइप करें, गॉड वॉन्ट्स टू स्पीक टू मी, वो मुझसे बात करना चाहता है। आज आप अपने जबान से इकरार करें कि खुदा आपसे बात करना चाहता है, आप अपनी जबान से बोले कि खुदा मुझसे बात करना चाहता है। आप इस बात को आज अपने अपने होठों पे लाएं कि खुदा मुझसे बात करना चाहता है, परमेश्वर मुझसे बात करना चाहता है, और वो आज आपको छूना चाहता है, आज वो आपकी जिंदगी के अंदर कुछ करना चाहता है। बोलिए आमीन। मैं हमेशा गीत गाता हूं, जैसा पौलुस ने कहा के रब में हमेशा खुश रहना, हालेलुया,
रब में हमेशा खुश रहना। मैं फिर कहता हूँ खुश रहना, मैं फिर कहता हूँ खुश रहना। तुम किसी भी बात की फिक्र न करना, किसी भी बात की फिक्र न करना, करना दुआ और शुक्राना। जी हाँ, खुदा मुझसे बात करना चाहता है। सब बोले, विजय भाई बोले, विजय पंका बोले, खुदावंद मुझसे बात करना चाहता है बोले, लिखे बोलो आज खुदा मुझसे बात करना चाहता है। सिरीना एम्बर बोले, खुदावंद मुझसे बात करना चाहता है। हालेलुया, अशर एमेन। आज आपको परमेश्वर कुछ कहना चाहता है और आप अपने दोस्तों को शेयर करें। शीतल टीका बोले, लॉर्ड वांट्स टू स्पीक टू मी टुडे, ही हैज अ प्लान, ही हैज अ मैसेज फॉर मी, ही हैज अ वर्ड दैट इज कमिंग फॉर फ्रॉम द माउथ ऑफ गॉड। इट इज नॉट मी, आई एम नॉट गोना स्पीक टू यू, लेट मी टेल यू, इट इज नॉट, आई एम जस्ट अ वेसल, आई एम जस्ट अ मींस, आई एम जस्ट गोइंग टू डिलीवर यू व्हाट द लॉर्ड इज टेलिंग यू। सुनीता ब्लॉसम, शिनी चड्डा, अंकित वर्मा, let me tell you, my children, my precious daughter, my precious son, my precious brother and my precious sister, aur aaj khudawand aapko kuch kehna chahta hai. He has a word for you. Probably you are going through a difficult time in your life, probably you are going through a very very tough time in your life, and God has a message for you. God wants to speak something into you, into your life. He wants to speak something that will, the word of God is a double edged sword, ek do dhari talwar hai, और वो आपके अंदर जाके आज वो उस बातों को भेद देगा, उन सारी चीजों को वो अलग कर देगा। आपके जो रूहानी बातें हैं, जो जिस्म की बातें हैं, जो खुदावन चाहता है अलग करना, जो काट के वो उन सारी चीजों को काट देना चाहता है, चॉप ऑफ कर देना चाहता है, जो आपकी लाइफ में नहीं होनी चाहिए, और खुदावन आज आपको बहुत बरकत देना चाहता है। सैम एलेक्स, यस, गॉड वॉन्ट्स टू स्पीक टू यू। सना याकूब, गॉड वॉन्ट्स टू स्पीक टू यू। गॉड, यू हैव कम ऑन दिस चैनल, यू हैव कम ऑन दिस लाइव बिकॉज गॉड वॉन्टेड टू से समथिंग यू। आज खुदावन आपसे कुछ कहना चाहता है। अस्मिता दत्ता, यस, कि खुदावन का एक पैगाम है, खुदावन की एक मर्जी है, और मैं आपको चाहता हूं कि हमारी जिंदगियों से एक संगीत निकलेगा। हालेलुया, आमेन। सब लिखो, बोलो, मेरी जिंदगी से म्यूजिक निकलेगा, मेरी जिंदगी से कुछ अच्छा निकलेगा, मेरी जिंदगी से कंफ्यूजन नहीं बाहर आएगा। जहां पर पवित्र आत्मा है वहां कंफ्यूजन नहीं है, जहां पवित्र आत्मा है वहां पर कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। गॉड इज नॉट एन ऑथर ऑफ कंफ्यूजन, गॉड इज नॉट एन ऑथर ऑफ कंफ्यूजन बट ऑफ पीस। ही हैज गिवन अ स्पिरिट ऑफ पावर, लव एन असाउंडमेंट। उसने हमें प्रेम का आत्मा दिया, उसने अक्ल का आत्मा दिया, उसने हमें तरबियत का आत्मा दिया, उसने हमें सामर्थ का आत्मा दिया, और परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंदर सामर्थ भरना चाहता है। परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंदर कुव्वत भरना चाहता है। परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंदर बहुत सारी बरकतें भरना चाहता है, और वो आपकी जिंदगी से कंफ्यूजन निकालना चाहता है। बोले आमेन। कंफ्यूजन निकल जाना चाहिए हमारी जिंदगी से। किसी भी तरह की मुसीबत अगर हो, खुदावन चाहता है कि वहां से कंफ्यूजन निकल जाए। अगर आप यीशु मसीह की जिंदगी देखें, आप पूरी बाइबल पढ़ें, जीसस कहीं कंफ्यूज नहीं थे। यीशु मसीह के पास हर चीज का बेस्ट आंसर था, प्रॉपर आंसर था और करेक्ट आंसर था, क्योंकि यीशु मसीह पाकरू में ऑपरेट करता था। ही वॉज ऑपरेटिंग इन द होली स्पिरिट, ही वॉज ऑपरेटिंग विद द पावर ऑफ द होली गोस्ट, ही वॉज फिल्ड, ही इज द फादर सन एंड द होली स्पिरिट। एंड व्हेन होली स्पिरिट डज समथिंग, जब खुदा कुछ करता है तो उसके अंदर से कंफ्यूजन नहीं निकलता। आमेन। अगर आप कहते हैं कि यू आर अ चाइल्ड ऑफ द मोस्ट हाई गॉड, यू विल हैव नो कंफ्यूजन इन योर लाइफ, यू विल हैव नो कंफ्यूजन in your life. Amen. I want to tell you something. God's word is something that will break the yoke today. God is trying to tell you, my daughter, my son, you will have no confusion in your life. Let me tell you, let me ask you a question. Kya Yeshu Masih ki zindagi mein confusion aapko kahin nazar aaya? Kahin se kahin tak? Kya Yeshu Masih confused the? Log Yeshu Masih ko phasana chahte the, Yeshu Masih phaste nahi the. यीशु मसीह को कोई नहीं फंसा सकता था। लोग लेके जाते थे, खुदावंद ये सिक्का है, ये जो हमें कर देना चाहिए कि नहीं, हमें कैसर को टैक्स देना चाहिए कि नहीं, और अब वो उसको कहते थे, अब चेक करते हैं, अगर इसने बोला देना चाहिए तो हम जूस, हम इसराइली से, यहूदियों से कहेंगे कि देखा ये कैसर का आदमी है, और उसने कहा नहीं देना चाहिए तो हम रोमी बादशाह से जाके कहेंगे देखा ये लोगों को भड़का रहा है। यीशु मसीह के सामने सिचुएशंस आती थी और उन सिचुएशंस में प्रेशर हो सकता था, उन सिचुएशंस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती थी, वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती थी, लेकिन यीशु मसीह के पास एक सटीक, पक्का, बिब्लिकल, गॉडली, एनॉइंटेड आंसर होता था। और मैं
यीशु मसीह जैसा बनना चाहता हूं कि हमारे अंदर से जब भी कोई जवाब निकले वो करेक्ट मसीह जैसा निकले। आज आपको एक सवाल की जवाब की जरूरत है। आज आपकी लाइफ में एक सिचुएशन है जिसमें आप सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? यीशु ने क्या कहा? इधर आओ, सिक्का दिखाओ मुझे। उन्होंने सिक्का दिखा, कहते ओके ये सिक्का है, इस पे किसकी तस्वीर है? उन्होंने कहा इसके ऊपर कैसर की तस्वीर है। यीशु ने कहा ठीक है, ऐसा करो जो कैसर का है वो कैसर को दे दो और जो खुदा का है वो खुदा को दे दो। हालेलुया। जो कैसर का है वो कैसर को दे दो और जो खुदा का है वो खुदा को दे दो। कंफ्यूजन नहीं चाहिए मुझे, जाओ। मुझे अपनी जिंदगी में कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। यीशु मसीह के पास कभी कंफ्यूजन था ही नहीं। यीशु मसीह की जिंदगी में कभी भी डाउट नहीं था। वो जब भी कुछ कहते थे वो करेक्ट कहते थे। 5 रोटी है, 2 मछलियां, इधर लाओ उसको हम ब्लेस करते हैं। यीशु मसीह डरे नहीं कि आज यार 5 रोटी 2 मछलियों को कैसे मैं 5,000 लोगों को खिलाऊंगा। यीशु मसीह ने अपने लोगों से ये नहीं कहा क्या सिचुएशन, यार बड़ी टफ सिचुएशन है, ये कैसे हैंडल होगी, ये तो मैं आज तो बड़ा मुश्किल वाला काम होगा। यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा क्या है तुम्हारे पास? उन्होंने कहा कि ये टिफिन है छोटे, लाओ मेरे पास लाओ, इसको हम ब्लेस करते हैं। यीशु मसीह ने आसमान की तरफ देखा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा देखा? आसमान की तरफ देखा और उसने रोटी ली, तोड़ा, शुक्र किया और कहा इसको बांट दो। शुक्र करके तोड़ा, कैसे किया? शुक्र करके उसको तोड़ा और कहा बांट दो। जिस चीज को खुदावंद ब्लेस करना चाहता है पहले उसको वो तोड़ता है, जिस चीज को खुदावंद बरकत देना चाहता है पहले उसको वो ब्रेक करता है। और जहां पर कुछ टूटता है समझो बरकत आने वाली है, जहां पर कुछ चोट लगती है समझो बरकत आने वाली है। खुदावंद के तौर तरीके अलग हैं, खुदा की सोच हमारी सोच नहीं, खुदा के विचार हमारे विचार नहीं। परमेश्वर आपकी जिंदगी में आज कुछ करना चाहता है, वो सारी कंफ्यूजन निकालना चाहता है और खुदावंद आपको एक वचन दे रहा है। खुदावंद आज आपसे बात कर रहा है। खुदावंद आपके दिल के अंदर एक भरोसा डालना चाहता है। वो आपके ईमान को पक्का करना चाहता है। वो कहता है कि तुम्हारा ईमान किधर चला गया? मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ता हूं और मैं हमेशा तुम्हारे लिए इंटरसीड करता हूं। खुदा हमारा पक्का इंतजाम करता है। मैं आपको बताऊं, आप ऑर्डिनरी लोग नहीं हैं, आप ऐसे वैसे सिंपल लोग नहीं हैं, आपके पीछे एक बहुत बड़ी बैकिंग है। मुझसे लोग पूछते हैं, अनिल भाई आपकी कौन सी बैकिंग है, आपको कौन है जो बैक करता है? कुछ लोग कहते हैं हमारा चर्च बहुत बड़ा है, कुछ लोग कहते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है, कुछ लोग कहते हैं हमारे जो पीछे बहुत बड़ी मेरी बहुत बड़ी गवर्नमेंट की बैकिंग है, कुछ लोग कहते हैं मेरी बहुत बड़ी पॉलिटिकल बैकिंग है, मेरे पास बहुत सारे बंदे हैं, मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, मैं कुछ भी करा सकता हूं। मेरे पास यीशु मसीह है। हालेलुया। मेरे पास खुदा है, मेरे पास खुदा का बेटा है, मेरे पास पवित्र आत्मा है, मेरे पास होली स्पिरिट है और मैं उस होली स्पिरिट की कुव्वत से, उसकी ताकत से कुछ भी कर सकता हूं और आप भी कर सकते हैं। वो सिर्फ मेरे लिए नहीं है बल्कि हम सबको खुदा ने वो कुव्वत दी है, हम सबको परमेश्वर ने वो ताकत दी है और आज वो ताकत आप ओपन अप करने वाले हैं, आज आप उसको अनबॉक्स करने वाले हैं, आज आप उसको रिलीज करने वाले हैं। आज खुदा उसको आपकी जिंदगी में खुलता हुआ देखेगा और खुदा कहता है कि मैं आज तुम्हारी जिंदगी में उस बरकत को खोल देना चाहता हूं। देखिए, हम जानते हैं कि पॉल जो था, एक फिलिपियों की पत्री में अगर हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि पॉल जेल में था और फिलिपींस 1 में है। जब हम शुरू करते हैं तो पॉलुस ने लिखा, यीशु मसीह का दास, फिलिपींस चैप्टर 1 से अगर हम पढ़ते हैं, मैं छोटी छोटी आपको वहां से निकालता हूं। अगर आप बाइबल अपने पास रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। एंड लेट्स गो टू बुक ऑफ फिलिपींस, फिलिपियों की पत्री उसका 1 अध्याय, उसकी 1 आयत से पढ़ेंगे कि मसीह यीशु के दास पॉलुस और टिमोथियस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिपी में रहते हैं, अध्यक्षों और सेवकों समेत हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिले। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से सबको क्या मिले? शांति मिले। ये ग्रीटिंग है और ये किसने लिखी है? पौलुस ने। हालेलुया। किसने लिखी है? पौलुस ने लिखी है। और आपको मालूम है कहां से लिखी है? सबको शांति वो कहां से बांट रहे हैं? वो होटल हायत रिजेंसी में नहीं बैठे हैं, वो इस समय किसी 5-स्टार में नहीं बैठे हैं, वो अपने चर्च के ऑफिस में नहीं बैठे हैं, वो इस समय किसी बहुत कंफर्टेबल जगह पर नहीं बैठे हैं, वो इस समय जेल में बैठे हैं। हालेलुया। जी हाँ, जेल में बैठे हैं जहां पर उनको मसीह के लिए कैद किया गया है, जहां पर उनको खुदावंद के लिए
परसिक्यूट किया जा रहा है, जहां पर उनके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ है। हो सकता है सुबह से खाना ना मिला हो सकता है माँ किसी ने खाना ऐसे फेंक दिया हो, अपना कमरा साफ किया होगा और बहुत सामान ढोया होगा, चक्की पीसी होगी, ना जाने कौन कौन सी तकलीफें उनको वहाँ देते हैं, कोड़े मारे होंगे। जेल के अंदर कभी किसी को आराम से नहीं रखा जाता, जेल बड़ी मुश्किल की जगह है। और वहां से जी हाँ वहां से पौलुस सबको कह रहे हैं तुम्हें शांति मिले, हालेलुया, तुम्हें शांति मिले। वो कहते हैं मैं जब भी तुम्हें याद करता हूं अपने प्रभु का धन्यवाद करता हूं, हालेलुया, मैं जब भी तुम्हें याद करता हूं तुम सबके लिए विनती करता हूं कि सदा आनंद के साथ ही विनती करता हूं, इसलिए कि तुम पहले दिन से आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे। जब भी तुम्हें याद करता हूं, मैं आज जेल से भी तुम्हें याद कर रहा हूं, हालेलुया, क्योंकि उस समय वो याद करें तो लिख रहे हैं, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। हम जेल से ऐसी चिट्ठी नहीं लिख पाएंगे, हम जेल में बैठ के ऐसी पत्री नहीं लिख पाएंगे। हम लोग तो ऐसी पत्री होटल में बैठ के या अपने घर के कंफर्ट में भी एसी वैसी लगा के भी ऐसी चीज नहीं लिख पाएंगे आत्मा से भरी हुई। और याद रखना, जब तक आदमी पे मुसीबत नहीं आती है वो खुदा में बढ़ता भी नहीं है, जब तक इंसान आजमाइशों से नहीं जाता है वो खुदा में आगे नहीं बढ़ता है। और यही बात हमारे सामने खुदावंद बता रहा है कि ही हैड अ पॉजिटिव पर्सपेक्टिव। वो इस समय जो है वो जेल में है, इस समय पौलुस जो है वो मुसीबत में है, इस समय पौलुस की जिंदगी में सब अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन वो कहता है कि मैं तुमको कहता हूं कि तुम्हें आनंद मिले, तुम्हें अनुग्रह मिले, तुम्हें शांति मिले, और इसलिए कि तुम पहले से दिन से आज तक सुसमाचार फैलाने में मेरे सहभागी रहे हैं। देखिए पौलुस के दिल में इस समय भी सुसमाचार चल रहा है, अपनी रिहाई की बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ये नहीं लिखा अगर तुम्हारी कोई जान पहचान हो तो जरा बात करना भाई, हमें जेल से निकलवाने के बारे में जरा आप एमपी एमएलए से बात करें, आप किसी उनसे बात करें, है जी। लेकिन यहां पर वो कह रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि तुमको आनंद मिले, तुम्हें शांति मिले, इस समय वो हमें ब्लेस कर रहे हैं। तो हम ये देखते हैं कि वो कहता है अब 12वीं आयत में लिखा कि हे भाइयों मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो कि जो कुछ मुझ पे बीता है, हालेलुया, वो क्या कह रहे हैं, जो कुछ मुझ पे बीता है, मैं आज जो इस मुसीबत में हूं, आज जो मैं इस तकलीफ में हूं, जो कुछ भी मुझ पर बीता है इससे सुसमाचार की बढ़ती हो रही है, हालेलुया, इससे परमेश्वर के राज्य को बरकत मिल रही है, इससे सुसमाचार आगे बढ़ रहा है। वो ये कह यहां पर बैठ के जेल में बैठ के ही इज हैप्पी दैट बिकॉज ऑफ ही बीइंग इन द जेल द गॉस्पल इज बीइंग पॉपुलराइज्ड, उसकी बढ़ोतरी हो रही है, गॉस्पल जो है वो पॉपुलर हो रही है, गॉस्पल जो है वो आगे बढ़ रही है। इसका मतलब वो इस बात से ज्यादा फिक्रमंद नहीं है कि वो जेल में है, बल्कि उनको इस बात की खुशी है कि खुदा का नाम जलाल पा रहा है, हालेलुया। हम वो गीत गाते हैं मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, फिर हम वो भी एक गीत गाते हैं बहुत सुंदर गीत जो है कि प्रभु को महिमा मिले चाहे हो मेरा अपमान, वो बढ़े मैं घटूं रहे इसी का ध्यान, आज का दिन यहोवा ने बनाया है हम इसमें आनंदित हों आनंदित हों, हालेलुया। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि पौलुस का जो दिल है वो एक बच्चे की तरह है, आमेन, लाइक अ स्मॉल चाइल्ड। वो कहते हैं 13वीं आयत में कहते हैं यहां तक कि कैसरी राज्य की सारी पलटन और शेष सब लोगों में ये प्रकट हो गया है कि मैं मसीह के लिए कैद हूं। वाओ, ही इज सो हैप्पी। वो कह रहे हैं कि सबको पता चल गया है कि मैं जीसस के लिए कैद हूं, कि मैं यीशु मसीह के लिए आज खुदा के बेटे के लिए मैं आज इस मुसीबत को उठा रहा हूं। यानी लोग अब यीशु मसीह की बात कर रहे हैं, लोग पूछते होंगे तो फिर ये कौन है यीशु मसीह, फिर वहां से बात होती होगी कि यीशु मसीह वही है जो मौजाद करता था, जिसने जो मसीहा बन के आया, जिसको शायद लोगों ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है, लोग उसकी वजह से इन लोगों को सता रहे हैं। और पौलुस ने ये सारी बातें जो हैं ये जेल से लिखी है, ये पक्की बात है, इसमें कोई डिनाइल नहीं है, क्योंकि उसने खुद कहा है कि मैं कैद में हूं। इस समय पौलुस जेल में है, अगर किसी को इस बात का शक हो कि वो जेल में नहीं है तो वो बाइबल जाके पढ़ सकते हैं। पौलुस ने यहां पर कहा है कि मैं
जेल में हूं, क्योंकि उसने कहा कि और प्रभु में जो मेरे भाई हैं उनसे बहुधा मेरे कैद होने के कारण, यहां पर लिखा कि यहां तक कि कैसर राज्य की सारी पलटन, हम 13th वर्स पढ़ेंगे, यहां तक कि कैसरी राज्य की सारी पलटन और शेष लोग सब ये में ये प्रकट हो गया है कि मैं मसीह के लिए कैद हूं। वो क्या कहता है कि मैं मसीह के लिए कैद हूं। वो ये कहना चाहता है कि पीपल कैन पुट मी इन द जेल बट दे कैन नॉट पुट द गॉस्पल इन द जेल। हालेलुया। दे कैन बाइंड मी बट दे कैन नॉट बाइंड द गॉस्पल। वो मुझे बांध सकते हैं लेकिन गॉस्पल को कोई नहीं बांध सकता। जितना मुझे सताएंगे उतनी गॉस्पल फैलेगी, जितना वो मुझे डराएंगे उतनी गॉस्पल फैलेगी। और वो ये कहता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुझे और तकलीफ में, मेरे कुछ भाई बहन हैं जो मुझे और तकलीफ देना चाहते हैं, लेकिन वो एंड में कहता है कि सो क्या हुआ, केवल ये है कि वो चाहे किसी भी प्रकार से, किसी भी बहाने से, सच्चाई से मसीह की कथा सुनाई जाती है और मैं इससे आनंदित हूं कि मसीह की कथा सुनाई जाती है। और मुझे खास तौर पे जो 21वीं आयत है वो मुझे बहुत पसंद है, उसने लिखा क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। फॉर मी टू लिव इज क्राइस्ट एंड टू डाई इज गेन। अगर हम कैद में भी हों, अगर आज हम मुसीबत में भी हैं, अगर आज आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ी बीमारी चल रही है, आज आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ी तकलीफ का समय है, मैं आपको बताऊं दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फ्रॉम द लॉर्ड। आपके पास ये एक बहुत बड़ी गवाही देने का समय है, एक बहुत बड़ी आपके पास अपॉर्चुनिटी आई है कि इस जीवन से भी, इस कैद खाने से भी, इस मुसीबत में से भी आप परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं और उसके नाम की आप यहां से महिमा करके उसकी खुशखबरी लोगों को दे सकते हैं। बाइबल में एक और कहानी है, एक छोटी सी बच्ची जो इजरायली बच्ची थी जो एक बहुत बड़े सीरिया के कमांडर के घर में काम करती थी, वो उनकी मेड थी। और वो जो मेड थी एक दिन उसने अपनी मालकिन से पूछा कि मैडम मैडम हमारे जो जो सर हैं वो इतने उदास क्यों रहते हैं, वो परेशान क्यों रहते हैं। तो उसने कहा कि तुम्हारे जो सर हैं मैं क्या बताऊं, उनको उनको कोढ़ हो गया है। तो उसने उनसे कहा कि मैम मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि उनके कोढ़ का इलाज खुदा के पास है, हमारा एक एलिशा नबी है जो उनके लिए दुआ करेगा तो वह चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। वो अपनी मर्जी के खिलाफ उस घर में रहती थी, वो वहां पर कैद थी, वो वहां पर रखी हुई थी एक एक कैप्टिव की तरह, और वहां पर भी उसके दिल में उन लोगों के लिए नफरत नहीं थी जिन्होंने उसको अपने घर में रखा था, बल्कि उस कमांडर के लिए, उस सीरिया के कमांडर के लिए उसके दिल में दया थी, उसके दिल में प्यार था। और उसने उससे ये नहीं कहा कि चलो बहुत अच्छा है ये, इसको कोड हो गया तो देखा हमारे मेरे को कैद करने का इनको बहुत बड़ा जी, इनको देखो सजा मिली है क्योंकि मुझको सताया है ना इन्होंने। आज हमारी ये नेचर होती है, अगर हमें कोई सताया और वो मुसीबत में चला जाए तो हम कहेंगे ना देखा मेरे साथ ऐसा किया तो कोड हो गया इसको, हमारे अंदर ये मेंटालिटी है। लेकिन इस बच्ची के अंदर वो मानसिकता नहीं थी। उसने अपनी मालकिन से पूछा कि हमारे जो सर है वो इतने परेशान क्यों हैं। तो उसने कहा कि उनको कोढ़ हो गया, तो कहती उनके कोढ़ का इलाज है, हमारा खुदा बहुत बड़ा खुदा है, हमारा यहोवा बहुत बड़ा परमेश्वर है, वो उनके कोढ़ को दूर कर देगा। वो एलिशा के पास गया। आप सब जानते हैं कि कैसे एलिशा ने यर्दन नदी में जब डुबकी लगाई तो उसका सारा बदन जो है वो साफ हो गया, और बल्कि उसने वहाँ पर खुदा के नाम को महिमा मिली, खुदावन के नाम को जलाल मिला, खुदावन के नाम को बरकत मिली। और मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि यही चीज़ हमारी ज़िंदगी से होगी। अगर आज हम मुसीबत में हैं, अगर आज हम परेशानी में हैं, अगर आज लोग हमारे खिलाफ कुछ कहते हैं तो उसमें से खुदा के नाम को जलाल मिलेगा, हमारी जिंदगियों से खुदा के नाम को जलाल मिलेगा, हमारी मुसीबतों में भी हमारी ज़िंदगी से म्यूज़िक निकल सकता है। आमीन। हम रोएंगे नहीं, हम अपनी जिंदगी के अंदर परेशान नहीं होंगे। है प्रॉब्लम, मुझको भी प्रॉब्लम्स हैं, आपको क्या लगता है मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं है? कोई ऐसा कोई बड़े से बड़ा कोई खुदा का बंदा भी कहते हैं उनके जीवन में प्रॉब्लम नहीं है? सबकी जिंदगी में ना कोई किसी ना किसी तरह से शैतान हमें परेशान करने की कोशिश करता है। पॉल बहुत बड़ा खुदा का बंदा है, वो बहुत इज मैन ऑफ गॉड, इस एपिसल्स लिखी है, एंड ही वॉज इन ट्रबल बिकॉज ऑफ द गॉस्पल। यस, सारे चेलों ने मुसीबतें उठाई। एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि हम खुदा में आएंगे तो हमें कोई मुसीबत नहीं आएगी, ये बिल्कुल गलत है। जब हम खुदा में आएंगे हमारी जिंदगियों की हर मुसीबत उसके नाम को जलाल देगी, हमारी जिंदगियों की हर तकलीफ उसके नाम को महिमा देगी। हमारे घर के अंदर अगर कोई तकलीफ भी होती है, हमारे जीवन में अगर कोई चैलेंजेस आते हैं,
उसमें हमारा कैरेक्टर बिल्ड होता है और उसके अंदर से खुदा के नाम को जलाल मिलता है। वो हमारा इज़राइल का खुदा, वो हमारा सच्चा यहोवा, उसके नाम को जब महिमा मिलती है। इसलिए जेनेसिस की किताब में हम देखते हैं उसकी 50 और 50वें आखिरी चैप्टर में बल्कि लिखा है कि तुमने जो मेरे लिए बुराई सोची उसको खुदा ने मेरे लिए अच्छाई में बदल दिया, क्योंकि हर बात भलाई को पैदा करती है उनके लिए जो बुलाए गए हैं, those who are called and those who love the Lord। हर चीज, इवन मुसीबतें, सिर्फ अच्छी चीज नहीं, बुरी चीजें भी। आज अगर हमारे आपके जीवन में तकलीफ है, आज हमारी बीमारियों में भी खुदा के नाम को जलाल मिलता है। आमीन। हमारी हमारी नौकरी जाने में भी खुदा को जलाल मिलता है। किसी ने मुझसे कहा, पास्टर साहब मेरी नौकरी चली गई है, मैं क्या करूं? मैंने कहा, अभी तुम्हारे पास एक महीना है, तुम दो महीने जब तक तुमको जॉब नहीं मिल रहा है, तुम खुदा का कलाम पढ़ो बैठ के। और तुम कलाम पढ़ते रहो। वो कलाम पढ़ने लगा, वो इतना उसने कलाम पढ़ा दो तीन महीने में, ही वॉज फिल्ड विद द वर्ड। फिर अचानक एक दिन उसको भी नौकरी भी मिल गई, अब वो कलाम से भर के वापस नौकरी पर गया। वो तीन महीने तो निकल गए, पता भी नहीं चला, लेकिन वो आदमी कलाम से भर गया, उसमें कलाम को बढ़ोतरी मिली, उसमें परमेश्वर के वचन को बढ़ोतरी मिली। आज अगर खुदावंद हमें किसी विल्डरनेस से ले जा रहा है, अगर आज हमें किसी रेगिस्तान से ले जा रहा है, अगर आज हमें किसी मुसीबत से लेके जा रहा है, इसलिए नहीं कि ये एक रैंडम चीज हो रही है जिसका ना खुदा को नहीं पता है। खुदा को पता है, वो जानता है, ही नोज इट, बट ही वॉन्ट्स यू टू गो थ्रू इट, ही वॉन्ट्स यू टू गो थ्रू दैट जर्नी and to grow and to be stronger. He wants you to reach to different level. आपकी degrees को बढ़ाना चाहता है, वो आपके आपकी उस खुदावंद के साथ रिश्ते के उस नज़दीकियों को वो आपके साथ बढ़ाना चाहता है। वो कहता है, मैं खटखटा रहा हूँ, मैं तुम्हारे अंदर आना चाहता हूँ। और वो कभी कभी उसके लिए हमें रोक लेता है, वो कभी हमें स्ट्रेच करता है। God will stretch you at times so that he can bless you. He will increase you so that he can get into your life. वो आपके दरवाजे बड़े करेगा ताकि आपके घर में आ सके। वो आपकी जिंदगी के अंदर किसी ना किसी तरह से कुछ ऐसा माहौल बनाएगा जिससे आप कहोगे कि God, I really cannot do without you. And I'm very happy when that happens. बहुत खुश होता हूँ जब ऐसा होता है, जब आप बिल्कुल छोड़ देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी ने मुझसे कहा कि पास्टर जी, अब मुझसे नहीं होगा। मैंने कहा, praise the Lord, अब खुदा करेगा। हालेलुया, अब नहीं होगा ना आपसे। आमीन। अब आप हाथ उठा दो दोनों, आपको यीशु मुझसे नहीं होगा, यीशु कहता है मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। आज आप एनकरेज हो जाएं, आज आप ताकत से भर जाएं, आज आप चाहे असीरी में हैं, चाहे आप किसी बॉन्डेज में हैं, आप किसी तकलीफ में हैं, आप शायद हो सकता है किसी ने आपको बांधने की कोशिश की है, लेकिन मैं आपको बताऊं, वो लोग शतरक मेशेक और अबेदनेगो, वो भट्टियों के अंदर, भट्टी के अंदर रस्सियों से बांध के डाले गए थे। आपको मालूम है ना, रस्सियों से बांध के उनको भट्टी में, आग की भट्टी में डाल दिया था। लेकिन क्या वो जले? जी नहीं, वो नहीं जले, लेकिन उनकी रस्सियां जल गई। आज खुदावंद आपको नहीं जलने देगा, लेकिन वो जो बांधने वाली रस्सियां वो जल जाएंगी, वो नहीं रहेंगी, लेकिन आप रहोगे और आपके साथ खुदा का बेटा खड़ा होगा, सन ऑफ मैन खड़ा होगा, वो चौथा पुरुष खड़ा होगा जो आग में भी आपको झुलसने नहीं देगा, वो खड़ा होगा जो तूफान में भी आपको बहने नहीं देगा, वो खड़ा होगा जो अर्थक्वेक में भी आपको जमीन के तले नहीं दबने देगा, वो खड़ा होगा जो आपको आसमान से कभी गिरने नहीं देगा, वो अपना हाथ बढ़ाएगा और आपको उठा लेगा। आज खुदावंद आपको कह रहा है कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, खुदावंद में मजबूत हो जाओ, मुझ में मजबूत हो। तुम अपनी नज़र किसी इंसान की तरफ मत रखो, तुम अपनी नज़र किसी मनुष्य की तरफ मत देखो, क्योंकि लोगों से प्यार करो बस, लेकिन उनसे एक्सपेक्ट मत करो, एक्सपेक्ट करो खुदा से, और उससे तवक्को खुदा से रखो। दाऊद ने कहा कि तुझसे ही तो आस है मुझको, करता हूँ मैं दुआ, ए मेरे बादशाह। जी हाँ, आज वो बादशाह आपको अपने नजदीक ला रहा है। आज इस मुसीबत में भी जिसमें आप हैं, मैं आप चाहता हूं कि हम खुदा के नाम को जलाल दें। आप सब मेरे साथ आए, आए हम अपने हाथ उठाएं, आए हम खुदा की हजूरी में जाएं, आए हम परमेश्वर से कहें, प्रभु तो आज हमसे बात कर, प्यारे परमेश्वर तो हमारे दिलों से बात कर, तो हमारे दिलों में आ जा प्रभु यीशु। एक एक भाई को, एक एक बहन को, एक एक बेटे और एक एक बेटी को प्रभु तू उनके नाम से जानता है, तो
तू उनके नाम से जानता है, जब वो अपनी माँ की कोख में थे प्रभु तब से तू उन्हें जानता है। लेकिन आज प्रभु तू कहता है कि तुम्हारी इस मुसीबत की घड़ी में, आज इस परेशानी की घड़ी से भी मेरे कलाम की बढ़ोतरी होगी, मेरी महिमा होगी। खुदावल कहता है कि मैंने कहा था कि लाजर अपनी बीमारी के लिए नहीं बल्कि मेरी महिमा के लिए बीमार है, वो मरेगा लेकिन फिर जिंदा हो जाएगा। खुदावन जानता है कि उसकी महिमा होगी हर चीज से, इसलिए वो आज हमें चुना है उसने कि हमारी जिंदगियों की इस मुसीबत से उसकी महिमा। खुदावन तेरा शुक्र है कि तूने हमें इस टेस्टिमनी के लिए चुना है, तेरा शुक्र है कि तूने हमें गवाही बनाने के लिए चुना है, तेरा शुक्र है कि तूने कहा कि मैं इस बच्चे को इस्तेमाल करूंगा, मैं इस बेटी को इस्तेमाल करूंगा और इसकी जिंदगी से गवाही पैदा होगी। खुदावन आपका हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं कि अगर आज हमें दिखता नहीं है तो हमारी आंखें खोल के लोग कहेंगे कि ये यस्सु ने काम किया, अगर आज हम सुनते नहीं है तो जब हमारे कान खुल जाएंगे तो यस्सु कहेगा, हम लोग कहेंगे कि यस्सु के नाम को जलाल मिले। आज अगर हम उठ नहीं सकते हैं तो जिस दिन हम खड़े हो जाएंगे हम ये कहेंगे कि यस्सु ने मुझे खड़ा किया है और यस्सु के नाम को जलाल मिलेगा। और आज अगर हम कैद खाने में हैं तो हम पॉल और सिलास की तरह वहां पर स्तुति आराधना करेंगे, इतनी स्तुति आराधना करेंगे कि वहां के दरवाजे और ताले खुल जाएंगे, ताकि वहां का जेलर भी देख लेगा कि यस्सु है जो दरवाजे खोलने वाला है, और वो कहेगा हम क्या करें, हम कहेंगे पश्चाताप करो, उद्धार पाओ। आए खुदावंद आप हमारी जिंदगी में जब भी कुछ करते हैं उसमें से कुछ अच्छा निकलता है, इसके पहले भी ऐसा हुआ और आज भी ऐसा होगा और हमेशा ऐसा होता रहेगा, और हम ये कह सके हैं, ये इस बात को हम कह सकते हैं कि होगा सदा मेरा भला, होगा सदा मेरा भला अगर तू है मेरा हमसफर। वो खुदा मेरा चरवाहा है, मुझे कमी नहीं होगी, वो यस्सु मेरा चरवाहा है, मुझे कमी नहीं। खुदावंद आपसे कह रहा है, मेरी बेटी और बेटियों से कह रहा है, कुछ बच्चों से कह रहा है, किसी बहन से कह रहा है, वो कह रहा है कि तुम्हारी तुम इस तकलीफ के अंदर मेरे नाम को महिमा दो, तुम इस प्रॉब्लम में मेरे नाम को महिमा दो, मैं तुम्हें इसलिए तोड़ रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हें मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, मैं तुम्हें इसलिए इस मुसीबत से गुजारना चाहता हूं क्योंकि मैं तुम्हें किंग और तुम्हें मैं अपना बेटा बनाना चाहता हूं, और मैं शैतान को दिखाना चाहता हूं कि देख मेरा बेटा नहीं टूटेगा, मैं शैतान को प्रूव कर दूंगा कि देख मेरी बेटी नहीं टूटेगी और वो मेरे नाम को जलाल देती रहेगी। और आज खुदावंद कहता है कि तेरे उस जलाल का वक्त आ गया है, खुदावंद कहता है कि अब उस इम्तिहान के समाप्त होने का समय आ गया, थोड़ा सा समय और है, अब तू देख कि मेरी महिमा तेरे अंदर जाहिर होने वाली है। अरे खुदावंद यस्सु तेरे नाम से खुदावंद मैं इस बरकत को तेरे घर तेरे बच्चों के ऊपर यस्सु के नाम से खोलता हूँ कि खुदावंद आप इन्हें ब्लेस करें, खुदावंद आप मेरी बहन के हस्बैंड को ब्लेस करें, अरे खुदावंद आप इनके घर को ब्लेस करें, खुदावंद आप इस बेटी और बेटे को ब्लेस करें, खुदावंद हे परमेश्वर इनके जीवन में इस बेटी रुबीना को ब्लेस करें, हमारी बेटी सुंबल को ब्लेस करें, खुदावंद आप कुनाल को ब्लेस करें, खुदावंद यस्सु के नाम से कहता हूँ होली स्पिरिट टच, Holy Spirit touch their lives, Holy Spirit touch their lives, Lord Father I ask, Lord Father I receive, Lord Father and I say, Lord Father as I receive I give, Father I pray in Jesus name, Lord that you bless Purnima, Lord you bless each and every Archana, every child and every Father, Lord Father, every daughter and every son, Anoop, Lord Father, Lord, every child that is right now, Lord Father, our Lord Father, on this, they are not in touch with me, Father, but they are in touch with you. Mere saath nahi, Yesu, aapke saath jude. Lord, bless Vijay and family, Vijay Bhai and family, bless Dinah and family, bless Mamta Mariam, Lord Father, bless Mary D. Cruz, Lord, each and every child, Lord, I pray that whatever prayer request they are putting here now, Father, on the scroll, Father, I am not reading it, but you are reading it, Lord Father. I don't know. It may even pass or mere aankhon ke samne se bhi nikal jaye, lekin wo Yesu ke samne se nahi niklegi. Long life for your parents, Diana, in Jesus' name. Koshi, yes, aapki parivar ke liye Samran Malik. खुदावन यस्सु आपके खानदान को ब्लेस करना चाहता है, वो आपकी बेटियों को ब्लेस करना चाहता है, वो आपकी बेटी की और आपके बेटे की जिंदगी को छू लेना चाहता है। आप मत घबराएं, आपके बच्चे आपके नहीं, वो खुदा की तरफ से आपको एक गिफ्ट मिले हैं, वो खुदावन की जिम्मेदारी है, आप अपने सर से बोझ हटा दें। यस्सु कहता है कि तुम अपने बच्चों का बोझ अपने सर से हटा दो, यस्सु कहता है कि वो मैंने तुम्हें सिर्फ केयर टेकर बना के तुम्हें दिए, तुम उनके सिर्फ केयर टेकर्स हो, उनका भविष्य मेरे हाथ में है, उनकी डेस्टिनी मेरे हाथ में है, उनकी जिंदगी मेरे हाथ में है, तुम अपने हाथ में लेने की कोशिश मत करो, तुम डरो मत, तुम घबराओ मत, तुम उनके लिए दुआ करो और देखो कि मैं उनकी जिंदगी को बदलने वाला खुदा हूँ, मैं उनके जीवन को छूने वाला परमेश्वर हूँ, मैंने उनके लिए एक प्लान बनाया हुआ है और वो एक अच्छा प्लान है, उस प्लान के तहत बहुत सारे बरकतें उनको मिलने वाली हैं। तुम मत डरो, तुम नहीं देख सकते फ्यूचर,
लेकिन जो आज तुम्हें बुरा लग रहा है वो सडनली चेंज हो जाएगा, जो आज तुम्हें समझ नहीं आ रहा एक दिन तुम्हारे सामने क्लियर हो जाएगा। अस्मिता विनीता, खुदावन कह रहा है कि मैं तुमको बरकत देने वाला, खुदावन कह रहा है कि मैं तुम्हें छूने वाला खुदा हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं एक एक भाई बहन की जिंदगी में। खुदावन मैं तेरी बरकत मांगता हूँ कि खुदावन तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। खुदावन तू इन्हें बरकत दे, इन्हें महफूज रख, तो अपना चेहरा इन पे चमका और इन पे मेहरबान रहे, तो अपना चेहरा इनकी तरफ मोड़ ले खुदावन और इन्हें सलामती बख्श। खुदावन तू अपना, तू इनको शलोम दे लॉर्ड तेरा, खुदावन आपका शलोम, खुदावन आपका फीस, आपकी शांति, शांति का राजकुमार, तसल्ली का शहजादा, और खुदावन आप जो है यू आर द प्रिंस ऑफ पीस। खुदावन आप इनके घरों में शांति दे प्रभु, आप इनकी जिंदगियों के अंदर शांति दे प्रभु। कहता कि मैं तेरी हदों को बढ़ाऊंगा, आई विल एनलार्ज योर कोर्स, मैं तुझे बड़ा करना चाहता हूँ, इसलिए मैं खींच रहा हूँ, इसलिए तुझे ये टाइट, इसलिए तुझे महसूस हो रहा है कि जीवन में कुछ होने वाला है, लेकिन मैं तेरे घर को बड़ा करना चाहता हूँ, मैं तेरी जिंदगी को बड़ा करना चाहता हूँ, मैं तेरे द्वारा तेरी जिंदगी से गॉस्पल को फैलाना चाहता हूँ, मैं तेरी जिंदगी से अपने नाम को महिमा देना चाहता हूँ। खुदावन कहता कि वो मैं तुझे छू लेना चाहता हूँ। वो खुदावन कहता कि मैं तेरा पिता हूँ, मेरी बेटी मैं तेरा पिता हूँ, और कोई भी पिता अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं सोचेगा, और मैंने तेरे लिए अच्छा सोचा है, होगा सदा तेरा भला क्योंकि मैं तेरा हम सफर हूँ। खुदावन कहता है कि मैं तेरा चरवाहा हूँ, तुझे किसी बात की कमी नहीं होगी, मैं तुझे हरी हरी चरागाहों में लाके बिठाऊंगा, और मैं तेरे दुश्मनों के सामने तेरा मेज लगाऊंगा, और मैं तेरी जान को बहाल करूंगा। आई विल रिस्टोर जो आज खो गया है, जो आज लॉस्ट हो गया है, जो आज छीन लिया गया है। डोंट वरी, अगर तुम्हारा पैसा तुमसे किसी ने लूट लिया है, किसी ने तुमको चीट किया है, खुदावन उन लोगों को, मुझे खुदावन कह रहा है कि कुछ लोगों को जिनको चीट किया है, उनके पैसे ले लिए, खुदावन कहता है कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि तुम्हारी नजात तुम्हारे पास है, तुम्हारी विक्ट्री अभी भी तुम्हारे पास है, उससे सात गुना मैं तुमको लौटाऊंगा, लेकिन तुम्हारा मसीह, अगर तुम्हारा खुदा तुम्हारे साथ है, सब कुछ तुम्हारे साथ है। खुदावन मैं शुक्र करता हूँ, खुदावन मैं शुक्र करता हूँ कि तू शांति का राजकुमार है। खुदावन मैं शुक्र करता हूँ, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए। खुदावन मैं प्रार्थना करता हूँ कि लोगों की जिंदगी में आपकी बादशाही आए, क्योंकि ये बादशाह के बच्चे हैं। हालेलुया, बोलो अपनी जबान से, मैं बादशाह की बेटी हूँ, मैं बादशाह का बेटा हूँ। आई एम अ चाइल्ड, आई एम अ डॉटर ऑफ किंग, आई एम अ सन ऑफ द किंग, आई एम द सन ऑफ द मोस्ट हाई गॉड। मैं बादशाह का बेटा हूँ, मैं बादशाह की बेटी हूँ। खुदावन तेरी बादशाही आए, और तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में होती है, जैसी स्वर्ग में खुशियाँ हैं, जैसे स्वर्ग का आनंद है, जैसे स्वर्ग की बरकतें हैं, वो इनके जीवन में, वही स्वर्गीय आशीषें इनके जीवन में है। तेरी बादशाही जैसे, खुदावन तेरा जलाल जैसा स्वर्ग में है, वैसा जलाल इनके घरों में आए। हालेलुया, खुदावन मुझे कह रहा है, हालेलुया, आपके घरों में स्वर्ग बनने वाला है, आपकी फैमिली से लड़ाई झगड़ा क्लेश बुराइयां निकल जाएंगी। खुदावन आपके घर को स्ट्रीमलाइन कर रहा है, खुदावन आपके घर को ऑर्डर में ला रहा है, खुदावन आपके घर को एकदम शांति का मंदिर बना देना चाहता है, वो आपके घर को टेम्पल बनाना चाहता है। वो कहता है कि डू यू नॉट नो दैट यू आर माई टेम्पल, और मैं तुम्हारे घरों को भी, जहाँ पर इतने सारे टेम्पल्स रहते हैं, मैं तुम्हारे घर को अपनी बरकत की जगह बना दूंगा, जहाँ दो या तीन मेरे नाम से रहते हैं, जहाँ दो या तीन मेरे नाम से भी जमा होते हैं, चाहे वो रहने के लिए जमा होते हैं, वो जगह भी बरकत की जगह होगी। खुदावन कहता है कि मैं तुम्हारे घर को बदल लेना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे घर को, यू आर द डॉटर ऑफ द मोस्ट हाई गॉड, मैं तेरी बादशाही आए और तेरी मर्जी आए। खुदावन तेरी मर्जी जैसे आसमान पर होती है, वैसे ज़मीन पर भी हो, और खुदावन इनकी ज़िंदगियों में तेरी मर्जी होने पाए। वो जो कन्फ्यूज़्ड हैं, खुदावन वो कन्फ्यूज नहीं रहेंगे, इसी समय वो ये कह दें कि खुदावन मैं कन्फ्यूज नहीं हूँ, शो मी योर विल। खुदावन अपनी मर्जी आपको दिखाएगा, खुदावन अपनी विल आपको दिखाना चाहता है। वो कहता है कि आई विल एंड आई वॉन्ट कि तुम ब्लेस हो, मैं चाहता हूँ कि तुम ब्लेस हो जाए। खुदावन कहता है कि मैं तुम्हें अपनी मर्जी देता हूँ, ये मेरी मर्जी है, इस कलाम से पढ़ो, इसमें मेरी मर्जी लिखी है। खुदावन कहता है कि तुम जब घुटनों पे जाओगे, तुमको मेरी मर्जी समझ आएगी। खुदावन कहता है कि मैं तुमसे बाइबल से भी बात करूंगा, और तुम आज घुटनों पे आओ, मेरे सामने घुटनों पे आओ, मैं तुम्हें अपनी मर्जी बताऊंगा। यस यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड, यस सागर, यस सलोनी, यू आर अ चाइल्ड ऑफ मोस्ट हाई गॉड। बोलो मैं बादशाह का बेटा हूँ, मैं बादशाह का बेटा हूँ। डोंट वरी, आप अपने कपड़ों को मत देखें, आप अपनी हैसियत, इस दुनिया की हैसियत को मत देखें, आप ये मत देखें कि आपके पास पैसा है या नहीं है, आप बादशाह के बेटे हैं। हालेलुया, उसकी बादशाही, यीशु मसीह ने पिलातुस के सामने कहा कि मेरी बादशाही यहाँ की नहीं है। हालेलुया, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ द मोस्ट हाई गॉड, क्योंकि जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया, से
तेरा राज आए, तेरी मर्जी, तेरी बादशाही और तेरी मर्जी जैसे आसमान पे होती है वैसी जमीन पे हो। हमारी रोज की रोटी खुदावन, तो हमें हमारी डेली ब्रेड दे खुदावन। मेरी आज की जरूरत तू मुझे मेरे मांगने से पहले जानता है कि मुझे किन चीजों की जरूरत है। आई खुदावन गिव मी लॉर्ड फादर एंड आई थैंक यू दैट यू हैव गिवन इट। आई थैंक यू कि वो मुझे मिल गई है लॉर्ड। आई थैंक यू इट इज डन, इट इज डिलीवर्ड लॉर्ड। आपने उसको डिलीवर कर दिया है। I receive it in Jesus' name. I receive it. I tap into the heaven. मैं तेरी बादशाही में हाथ डाल के उसको नीचे ले लेता हूँ। I receive it in my life. Lord, thank you. तेरी बरकतें, तू मेरी आज की हर जरूरत को तूने पूरा कर दिया है। और जितनों के खिलाफ और जिसने मुझे लॉर्ड परसिक्यूट किया उनको मैं क्षमा करता हूँ, और जिन्होंने मेरे खिलाफ कुछ बुरा किया मैं उन्हें क्षमा करता हूँ, क्योंकि खुदावंद आपने भी मुझे क्षमा कर दिया। हमें और आइंदा परीक्षा में ना लाना खुदावंद, हमें टेस्ट ना करो खुदावंद, हमें आजमाइशों से बचा लो। हम आपके बेटे और बेटियाँ खुदावंद, मगर आपकी मर्जी पूरी हो खुदावंद, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल युगानुयुग आपके हैं, हमेशा आपके हैं। हम खुदावंद आपका शुक्र करते हैं खुदावंद। एक एक घर में आपकी बरकत आए, एक एक घर में खुदावंद आपकी शांति आए, क्योंकि शांति का राजकुमार यीशु मसीह आज सबको छूने के लिए आया है। सब डिक्लेयर करें, आई एम द चाइल्ड ऑफ द मोस्ट हाई गॉड, मैं खुदा का बेटा हूँ। उठ के अभी आप जब इस दुआ से उठेंगे, यू आर चार्ज्ड, यू आर पावर पैक्ड, you are anointed, you are blessed, and if somebody is blessed, I'm telling you, nobody can reverse your blessing, nobody has the right to cancel your blessings, koi nahi cancel kar sakta hai, nobody can take away the blessing of the man who is already blessed by the Lord, amen. aapko khudavand ne bless kiya hai, aapko khudavand ne chuna hai, aur aapko koi unchoose nahi kar sakta, aapko koi unbless nahi kar sakta hai, aur khudavand aapko hamesha barkat dega, aap khudavand mein badhte rahe। मैंने आपसे हमेशा कहा है कि हम पवित्र आत्मा हमेशा हमारे साथ है, वो हमें कभी नहीं छोड़ता है, और बदरूहों के साथ जंग हम नहीं करेंगे। वो पाक रूह जो हमारे अंदर है वो हर बदरू को हरा देता है, वो हर एक के ऊपर विक्टोरियस होता है, वो हर एक के ऊपर विजयी होता है, और खुदावंद ने हमें वो विजय दे दी है। और आप यू आर द चाइल्ड ऑफ द मोस्ट हाई गॉड वंस मोर, एंड आई टेल यू लेट अस से अ लास्ट प्रेयर। फादर वी थैंक यू Lord, we just thank you for this blessing that has been released, Lord, from the heavenlies. जो आसमानी जगहों से जो blessing आई है खुदावंद, और जो आपके बच्चों के जीवन में आज गई है खुदावंद, मैं यीशु के नाम से उसे सील करता हूँ, मैं यीशु के लहू में उसे सील करता हूँ। Lord, I seal it in the blood of Jesus. Lord, I say, अगर कोई बीमार है इस वक्त, if anybody needs healing, come on, this is the time you receive your healing. I say, in Jesus' name, be healed. The Lord is sending, is releasing his healing. It is already there. And I declare it, be healed. Yesu ke naam se, be healed. Holy Spirit, touch. In Jesus' name, be healed. Father, in the name of Jesus, Holy Spirit, touch your children. Hallelujah. Lord, touch your children right now. Heavenly Father, in Jesus' name, I say, be healed. Holy Spirit, touch your child, touch your daughter, even now. Lord Father, the anointing is flowing right now through your body. The anointing is flowing. You're going to have a child. Aapko beta hoega, aapko beti hogi. You're not going to be barren. Barrenness, I rebuke. Yeshu Masih ke naam se banchpan ko main todta hoon. Yeshu Masih ke naam se main shaitan ki taakat ko todta hoon. Yeshu Masih ke naam se मैं इस कैंसर को तोड़ता हूँ। आपका कैंसर, आप लंदन में बैठे हैं, आपका कैंसर यीशु मसीह ने तोड़ दिया। आप यूरोप में है, यीशु मसीह के नाम से इस कैंसर को मैं तोड़ता हूँ। खुदावंद, मैं इस बेटे को यीशु के नाम से कहता हूँ, चंगा हो जा। ओ हालेलुया, यू गोइंग टू वॉक आउट ऑफ द हॉस्पिटल नाउ। जो हस्पताल में है वो यीशु के नाम से इस वक्त अपनी शिफा को हासिल करें। ये वक्त है, यीशु दे रहा है शिफा, आप हासिल करें। हालेलुया, यीशु के नाम से, In Jesus' name, be healed, be delivered, be healed. Holy Spirit, touch your children. Father, I thank you, Lord, that you are healing them. Lord, your blood from the cross of Calvary, Yeshu ke naam se, be healed. Yeshu ke naam se, be healed. Holy Spirit, touch your people right now. Depression, my brother, my sister, You are not depressed. You are full of the Holy Ghost. No depression can stay in your body. Because you are Yeshu ki beti ho.
तू यीशु की बेटी है, यीशु के नाम से दिस डिप्रेशन लीव नाउ, यीशु मसीह के नाम से सुइसाइडल थॉट्स लीव नाउ, यीशु मसीह के नाम से व्यभिचार का आत्मा अब भी निकल जाए, यीशु मसीह के नाम से ट्यूमर ठोट गया, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से सारी कुवत शैतान की निकल गई है। आपका बच्चा जो आपका घर छोड़ के चला गया है वो लौट के आ रहा है, यीशु मसीह उसको वापस ला रहा है। आपका बेटा लौट के आ रहा है जो नाराज होकर चला गया था, खुदावंद कह रहा है मैं उसको वापस ला रहा हूँ। हालेलुया, ही इज कमिंग बैक, गॉड इज टर्निंग हिज फीट, उसके पैरों, मैं नहीं जानता वो कहाँ पर है, लेकिन खुदा उसके पैरों को घुमा के ला रहा है और आज वो घर लौट के आएगा। घरों के अंदर रिकन्सिलेशन होने वाला है, घरों के अंदर बरकत आने वाली, घरों के अंदर खुदावंद मेल मिलाप करा रहा है। हालेलुया, यू आर नॉट गोइंग टू डाइवोर्स ईच अदर इन द नेम ऑफ जीसस, आई से यू आर नॉट गोइंग टू हैव डाइवोर्स, यू आर नॉट गोइंग टू सेपरेट, यू आर गोइंग टू स्टे टुगेदर। आई हील दिस कपल, आई हील एवरी कपल, लॉर्ड फादर आई स्पीक हीलिंग, फादर इन द नेम ऑफ जीसस, होली स्पिरिट हील द कपल्स, होली स्पिरिट हील द कपल्स, लॉर्ड फादर मेंड देयर हार्ट्स, लॉर्ड फादर मेंड द रिलेशनशिप, फादर उनके जीवन को छू ले प्यारे परमेश्वर, खुदावन यस्सु के नाम से पाकरू छू ले, उनके रिश्ते को फिर से जोड़ दे तेरे कलाम के मुताबिक, जिसको तूने जोड़ा है उसको कोई अलग नहीं कर सकता। लॉर्ड आई नो राइट नाउ द हीलिंग इज फ्लोइंग, द हीलिंग इज फ्लोइंग इन जीसस नेम, हालेलुया, इट इज गोइंग, रिब्यूक वीकनेस, यस यू आर नॉट सैड, यस माई डॉटर, सैडनेस, स्पिरिट ऑफ सैडनेस, सैडनेस गो इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया, एज आई से हालेलुया योर सैडनेस इज लिविंग, हालेलुया, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस आई रिब्यूक सैडनेस, फादर आई आस्क फॉर योर पावर टू फ्लो थ्रू दीज लाइज, लॉर्ड आई आस्क फॉर योर पावर टू फ्लो थ्रू द लेग्स, आई आस्क फॉर योर पावर टू फ्लो थ्रू द नीज, तुम्हारे घुटनों से, तुम्हारे बदन से यीशु हर अंधकार की शक्ति को निकाल रहा है। यीशु के नाम से बी हील्ड, यीशु के नाम से चंगी हो जा, यीशु के नाम से लिम्स, क्रिपल्ड लिम्स गेटिंग ऑल राइट, गेटिंग हील्ड नाउ, यीशु के नाम से मैं उन सारे लिम्स के ऊपर हाथ लगाता हूँ, जो उंगली मुड़ी हुई है, जो हाथ मुड़ा हुआ है, जो घुटना मुड़ा हुआ है, खुदावन यीशु तेरे नाम से तू उन्हें चंगा कर दे, खुदावन तेरी गवाहियां मैं सुनना चाहता हूँ, खुदावन हम तेरे नाम को जलाल देना चाहते हैं, आज हमने वचन सुना, आपने कहा कि जो मुसीबतें होंगी उनमें से मेरे नाम की बढ़ोतरी होगी, और आज हम खुदावन आपके नाम की बढ़ोतरी देख रहे हैं यीशु, क्योंकि तू हजारों को चंगा कर रहा है। आई हैव नो डाउट लॉर्ड दैट यू आर हीलिंग मिलियंस, यू आर हीलिंग थाउजेंड्स फादर, यू हैव बीन हीलिंग फ्रॉम द डे, फ्रॉम 2000 ईयर्स यू हैव बीन हीलिंग, यीशु के नाम से बी हील्ड, इन द नेम ऑफ जीसस बी हील्ड, आई सील इट इन द ब्लड ऑफ जीसस, आई सील इट लॉर्ड फादर, लॉर्ड आई थैंक यू that you have blessed them in Jesus' mighty name. Amen. 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 Ke Yesu naam ke aage har ghutna tik jaye, Yesu naam sabse pyara, Yesu naam aata hoon main, Yesu naam se kehta hoon main, यीशु नाम से, बोलो यीशु मसीह की जय। हाँ, अगर आप संडे को बॉम्बे में हैं, प्लीज कम, वील वर्शिप टुगेदर इन द सत्संग, एंड वी लव यू, द लॉर्ड लव्स यू, आई एम जस्ट फुल ऑफ द होली गोस्ट, आई एम जस्ट एंजॉयिंग दिस, एंड आई जस्ट से दैट जस्ट लव द लॉर्ड, खुदा उनसे प्यार करो, प्रभु के अंदर बने रहो, प्रभु यीशु मसीह के अंदर बहुत आनंद है, प्रभु के अंदर बहुत खुशी है, प्रभु में आनंदित रहो, यीशु मसीह की जय। आई विल सी यू सून, बाय बाय।